वेलकम, कैसे हो आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पार्टनरशिप से केस स्टडीज का क्वेश्चन। इससे पहले मैं एक शेयर वाली बुक से, डिबेंचर से लेकर आया था, तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट मैं केस स्टडीज लेके आता हूँ जिससे कि आपको केस स्टडीज की प्रैक्टिस हो जाए। बहुत ज्यादा परेशान करता है केस स्टडीज, क्योंकि बच्चा जब केस स्टडीज देखता है एक पेज का केस स्टडीज तो पढ़ता ही नहीं है। पढ़ने के बाद ऐसे पढ़ता है कि टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, करता तो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो आज मैं हम दो तीन चीजों को डिस्कस करेंगे जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही बच्चों के बीच में, जो आपके कमेंट्स भी आए थे कि सर केस स्टडीज में कोई कहता है सर मैं तो समझ ही नहीं आया। कुछ बच्चों का है कि सर हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है, जिस वजह से मेरा पेपर और चीजें छूट जा रही है अगर मैं केस स्टडीज को करने जाता हूँ। चार नंबर में आपके क्वेश्चन आएगा केस स्टडीज का, यहाँ पे केस स्टडी दी होगी और चार क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड, आपको उनके जवाब देने होंगे। तो किन किन बातों को आपको रखना है ध्यान, किन की चीजों का ध्यान रखना है केस स्टडीज करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और एक क्वेश्चन भी हम आज डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप केस स्टडीज को कम टाइम में कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक वीडियो को देखना कि आप चीजों को समझ पाओ, बोर्ड एग्जाम है सीरियस रहना। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करता हूं, वो अपना वो दोस्त जिसका आप चाहते हो कि वो भी चीजों को सीखे। और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स की डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चनों की मैं केस स्टडीज लेकर आता रहूंगा डेली डेली के एग्जाम तक। तो बस अपना प्यार बनाए रखें, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करके जाना जब आपको लगे हाँ सर ने जो बातें बताई काम की है। बाकी किसी चैप्टर में कोई टॉपिक आपका छूटा हुआ है तो आप वो देख सकते हो, हमारे सारे सारा कंटेंट मैंने डाल चुका ऑलरेडी। देखो जरा ये इतना बड़ा केस स्टडी, बच्चे यार इतना बड़ा देखते ही आधे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है कि इतना बड़ा करे कैसे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, बच्चे यहां से पढ़ना चालू करते हैं, यहां तक पढ़ लेते हैं और फिर जब फिर पीछे क्वेश्चन पढ़ने जाते हैं फिर वापस आके दोबारा पढ़ते हैं, यहां भी दिक्कत आती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, तो जो हमें ध्यान रखना है सबसे पहला काम, जब भी केस स्टडीज का क्वेश्चन आए तो पहले आप ये देखो कि आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो आपसे देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी गई, ध्यान से देखोगे तो आपसे पहला तो पूछा गया रेमुनरेशन कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, करंट अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो याद रखना कि आपको देखना पड़ेगा इसके लिए कि फिक्स है फ्लक्चुएटिंग है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लग जाता है किस चीज के बारे में बात की जा रही है। दूसरा आपसे पूछा कि एडमिशन, एडमिशन से क्वेश्चन इतना भी समझ आ गया मुझे कि एडमिशन के टाइम पे सैक्रिफाइजिंग जो रेशियो होगा शेयर बिल प्रोवाइडेड किस तरीके से होगा, रेशियो का मतलब एक रेशियो दिमाग में रख लिया आपने। एक पूछा गया सॉरी सुंदरम विल बी एंटाइटल्ड टू रेमुनरेशन ऑफ दिस, तो मतलब किसी पार्टनर को सैलरी वैलरी देने की बात हो रही है तो आपके क्वेश्चन को कितनी सैलरी मिलेगी, तो सुंदरम को ध्यान में रखना। और चौथा ये कुछ टेकिंग लोन के बारे में लिखा, तो ये चार क्वेश्चन आपके। तो देखो क्वेश्चन आपने देख लिया, अब आप इस पैराग्राफ को पढ़ो तो इससे देखो फायदा क्या होगा, आपका टाइम बहुत बचेगा। अब आपको क्या एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे आपके दिमाग में क्वेश्चन की ये चार क्वेश्चन है उस चीजों का अंडरलाइन करोगे, हाँ ये मेरे काम का, फटाफट से क्वेश्चन कर दोगे। आप पहले पैराग्राफ पढ़ोगे फिर क्वेश्चन को पढ़ोगे फिर यहाँ के उस चीजों को दोबारा ढूंढोगे तो इसमें आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। इसलिए अगर इनसे क्वेश्चन आए तो याद रखना कि आप इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप क्या करना पहले क्वेश्चन पढ़ लेना फिर इसको करना। एक क्वेश्चन आता है जैसे डिबेंचर से आता है एंट्रीज पास करने के लिए बोल गया इशू की रिडम्पशन की, तो वहां पे आप पहले पढ़ लो, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो याद रखना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपको पहले क्या करना है, तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने की आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि जब आप इसको पैराग्राफ को पढ़ोगे उन चीजों को आप अंडरलाइन कर लोगे और इससे आपका टाइम कंज्यूम होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखो इस क्वेश्चन में हम पढ़ते जा रहे हैं तो लिखा है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो बता दीजिए एक हाइपोथेटिकल इफ स्टेटमेंट दी गई है, एक कहानी दी गई है, इस कहानी को पढ़ना आपको भाई साहब चार आंसर देना, पढ़ लेते क्वेश्चन क्या है। लिखा है अमित एंड महेश वर पार्टनर इन फास्ट फूड कॉर्नर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2, मतलब ऐसा आपको पता चलेगा कि अमित और महेश का जो रेशियो है 3:2 का है, ठीक है आगे देखते हैं। दे सोल्ड फास्ट फूड आइटम अक्रॉस द कंटेनर काउंटर एंड डिड होम डिलीवरी, मतलब वो काउंटर पे बेचते और होम डिलीवरी करते, आपकी बात आगे देखते हैं। देयर इनिशियल फिक्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज इतना इतना, देखो आपको इससे एक बात चलेगी कि उनकी कैपिटल फिक्स है, इससे रिलेटेड भी आपका एक क्वेश्चन था तो आपको ये पता चल गया क्वेश्चन में कि हमारी जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स है। जब हम आपको अगला पेज दिखा दूं कि इससे आपको किस चीज का पता चलेगा, या फिर पूरा पढ़ लेते हैं तो दिखाई देता हूं मैं तो आपको, थोड़ा मजा आ जाएगा देख के। ये देखो पहला क्वेश्चन क्या था आपका, रेमुनरेशन विल बी ट्रांसफर टू डैश ऑफ अमित एंड महेश एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो देखो जब अगर फिक्स कैपिटल होता है तो सारी चीजें कौन से अकाउंट में जाती है, बोलोगे सर करंट अकाउंट, तो पहले का आंसर सी हो गया। तो देखो आपने इतना ही पढ़ा और आपको पहले का आंसर मिल गया कि पहले का आंसर सी है, ठीक है। तो इससे ये फायदा होता है कि अगर आप पहले क्वेश्चन को पढ़ के रखोगे तो आपके दिमाग में सेट रहेगा कि भाई साहब ये बताना है ऐसे ऐसे करना है। चलो आगे देखते हो, फिर क्या एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द प्रॉफिट वॉज, इस साल इतना 120,000 का प्रॉफिट हुआ,
बिफोर अलाउइंग रेमुनेशन ऑफ इतना क्वार्टर एंड इतना क्वार्टर टू महेश। अब देखो इसमें तो आपसे यही पूछा गया था कि रेमुनेशन भेजना कहा है, तो आपने करंट आपसे भी पूछ सकता कि उसका जैसे रमेश का है, रमेश को कितना देता है 3000 क्वार्टर का, तो आपसे पूछ देता है उसको साल भर में कितना मिलेगा, तो 4000 × 3 12000 रुपए हो जाता। ये क्वेश्चन भी आ सकता था, लेकिन आपको थोड़ा अपने बुद्धि से इतने सब काउंट करोगे, जो क्वेश्चन है वही से तो आंसर देना आपको। यहां क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कहां जाएगा, तो करंट अकाउंट हो गया, कैलकुलेशन वाला भी आ सकता था। इसलिए अगर आप केस स्टडीज को पढ़ने से पहले इन क्वेश्चनों को दिमाग में रखोगे तो इससे आपका एक ये फायदा होगा कि आप जब क्वेश्चन को करोगे एक बार ही पढ़ोगे तो सब चीजों का आंसर आपको पता होगा कि ये पूछा गया भाई से, ये देखना आप बाकी मेरे काम के लिए। अब देखो दूसरा ये रेशियो से रिलेटेड है कि जब एडमिट हुआ तो क्या लिखा है, अपॉन द एडमिशन ऑफ सुंदरम द सैक्रिफाइजिंग ऑफ प्रोवाइडिंग इन द रेशियो, मतलब सैक्रिफाइजिंग कौन करेगा, तो पढ़ते आगे जरा भाई, उसके बाद अभी तक तो आए नहीं हम। आगे देखो क्या लिखा है, सच ए प्रॉमिस परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट ईयर वाज इनकरेजिंग, देयरफॉर दे डिसाइडेड टू एक्सपेंड द एरिया ऑफ द ऑपरेशन। पहले साल में इतना प्रॉफिट करा तो वो चाहते हैं कि आप बिजनेस को और आगे बढ़ाए, तो ये सब कहानी आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर आप ये देखो क्या लिखा है, फॉर दिस पर्पस दे नीडेड टू डिलीवरी वैन, उसके लिए उनको क्या चाहिए, डिलीवरी वैन चाहिए, ए फ्यू स्कूटीज, कुछ स्कूटी चाहिए, एन एडिशनल पर्सन टू सपोर्ट, और एक पर्सन भी चाहिए जो सपोर्ट करे। तो इन्होंने क्या करा, 6 months into the accounting year, मतलब यार ये बहुत काम की बात है, मैं अंडरलाइन कर दूं, ये लाइन बहुत काम की, अगर आप इस लाइन को छोड़ देते हो तो भाई साहब आपकी क्वेश्चन बहुत गड़बड़ है। 6 months मतलब इस साल के शुरू में नहीं, 6 महीने होने के बाद, तो इस बात से फर्क क्या पड़ेगा, जो नया पार्टनर आएगा उसकी चीजों को जो भी हम देंगे उससे फर्क पड़ेगा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपका। इसे याद रखना कि लाइन को लाइन टू लाइन जरूर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर तुम मैं बस ये यहां से लेकर यहां तक की लाइन स्किप कर देता तो नीचे एमसीक्यू मेरा गलत हो जाता, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लाइन टू लाइन पढ़ो, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है, 6 months इनटू द अकाउंटिंग ईयर, इस साल 6 महीने होने के बाद दे डिसाइडेड टू एडमिट सुंदरम, 6 महीने होने के बाद, यहां जब 6 महीने पूरे हो गए तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो सुंदरम को एडमिट करेंगे, ठीक है, एज ए न्यू पार्टनर एंड ऑफर हिम 20% शेयर, मतलब 1/5 शेयर से एडमिट करेंगे एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए अलॉन्ग विद मंथली रेमुनेशन। देखो इससे भी क्वेश्चन था, तो मंथली रेमुनेशन दे रहे 2500 रुपए महीने की, और 6 महीने वो रहेगा, तो 2500 × 6 का रेमुनेशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा रेमुनेशन, 2500 × 6 यानी 15000 रुपए का हम उसको रेमुनेशन देंगे, क्वेश्चन था अभी मैंने सिखा दिया। आगे क्या लिखा है, सुंदरम वॉज आस्ट टू इंट्रोड्यूस 1,30,000 फॉर कैपिटल, वो 1,30,000 रुपए कैपिटल के लगा रहे हैं, एंड 70,000 फॉर द प्रीमियम ऑफ गुडविल, गुडविल के लेके आ रहे हैं 70,000 रुपए, ठीक है। बिसाइड दिस सुंदरम वॉज Required to provide कितना 1 lakh as a loan of 2 years, और उसने क्या करा 1 lakh रुपए बिजनेस को लोन भी दिया है 2 साल के लिए, ठीक है, पार्टनर लोन है। आप इसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर ऑप्शन दिया ऑफर और एग्जीक्यूट हो गया। अब आपके क्वेश्चन क्या दूसरे, दूसरे अपॉन द एडमिशन ऑफ सुंदरम द सैक्रिफाइजिंग, देखो ये एडमिशन का कौन सा टाइप, सीधा लिखा था कि 20% एडमिट यानी फर्स्ट टाइप, तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है सैक्रिफाइजिंग रेशियो किसके बारे में, ओल्ड के, तो डी हो गया आंसर, इसका आंसर हो गया डी, बाई अमित एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 3:2, यही है ओल्ड के बराबर। अकाउंटिंग प्रोसीजर्स ऑफ दिस रिकंस्टिट्यूशंस द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म मिस्टर सूरज फेस ए डिफिकल्टी, क्या सॉल्व इट बाय आंसरिंग The following for the amount of loan that Sundaram has agreed to provide his entire to interest thereon at the rate of, मतलब देखो इतनी बड़ी पूरी लाइन बोल के स्थिति क्या कर रहे हैं कि जो सुंदरम ने बिजनेस को लोन दिया उस पर कितना इंटरेस्ट, तो देखो कहीं पे भी लिखा था कि पार्टनर ने जो लोन दिया उस पर कितना इंटरेस्ट नहीं लिखा, तो भैया आप जानते हो कि अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ना दिया हो तो वो होता है 6% पर एनम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6% पर एनम। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा, देखो क्वेश्चन समझ आ गया आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पहला पेज है और ये आपका मैंने जो क्वेश्चन के आंसर दिया आपका दूसरा पेज है, तो क्वेश्चन आपका आएगा इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, इस बातों को ध्यान रखना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा तो पहले आप एमसीक्यू देख लो कि आपसे पूछा क्या गया है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो तो आप उसी में आपको जवाब मिलते रहेंगे, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है कि हाँ आपसे जो पूछा तो फिर क्वेश्चन को समझो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दो, ऐसे मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के केस स्टडीज लेके आऊंगा, तो बस चैनल पे बने रहे, जितनी भी केस स्टडीज आए उनको देखें समझे, क्योंकि केस स्टडी में ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं आपको कुछ नया सिखा रहा हूं, इसमें सब कुछ आपको आता है, बस क्वेश्चन को समझना आना चाहिए, जो आप 2-4 questions, 10 questions करोगे देखोगे तो आपको समझ जाएंगे, कुछ अलग से कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो बहुत ही आसान है, बस आपको करना पड़ेगा।
तो हमारे साथ जुड़े रहे और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट।